फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज में जनरल बॉडी मीटिंग के लिए मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं बायलॉ नंबर 100 में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स, एज पर द बायलॉ नंबर 100, द कोरम फॉर एवरी जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी शैल बी 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और 20 व्हिच एवर इज लेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत क्लियर बताया गया कि 2/3 होना चाहिए टोटल मेंबर का, या तो 20, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आपका कोरम हो जाता है और आप जनरल बॉडी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हुए, जैसे मैंने बताया कि अगर सोसाइटी में 50 मेंबर हैं तो 2/3 उसका 33 होगा, एंड अगर 33 मेंबर प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो अगर 20 भी होते हैं तो कोरम हो जाता है और मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बायलॉ नंबर 101 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मीटिंग को एडजर्न करने का रूल क्या होता है और नेक्स्ट डे के लिए कर सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए एडजर्न किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग 101 में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक, आपकी सोसाइटी के मेंबर्स तक, आपकी कमेटी तक पहुँचे, एंड आपकी सोसाइटी में बायलॉ रिलेटेड अवेयरनेस बढ़े और आपकी सोसाइटी हैप्पीली एंड स्मूथली रन हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।